बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नूरतराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले, जो सीटें खाली हो चुकी थी। इन सीटों में से 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन अब उन सीटों पर खाली हो जाने की वजह से बीजेपी में चले जाने के, उन विधायकों के चले जाने के बाद वो सारी सीटें खाली हो चुकी है। तो इन तमाम मामलों के अंदर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी ने काफी मजबूती के साथ इन उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और अब आपको बता दें कि उपचुनाव लड़ने का भी फैसला कर लिया। बहन जी ने साफ आदेश दे दिए कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ना है। अब बहुजन समाज पार्टी का इन उपचुनाव के अंदर कितना अस्तित्व है, ये हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का इन जो चुनाव है, इन चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 16-17 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है। यानी कि इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव, पिछला विधानसभा के अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उनके अंदर चुनाव लड़ी थी। और इन सीटों के अंदर कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर, तो कई सीटों पर तीसरे नंबर पर और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में रही। आज हम आपको बता दें कि जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा वोट लिया था, अगर थोड़े थोड़े वोट भी आ जाते तो बहुजन समाज पार्टी आराम से जीत सकते थे। इन सीटों में आपको बता दें कि पहली सीट आपको बता दें कि अब्बा है, जहां पर 22,169 वोट है बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। दूसरी सीट है करेरा, जहां पर 40,026 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। तीसरी सीट है पोहरी, जहां पर 52,736 वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। मुरैना के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 21,149 वोट हासिल किए थे। सुंबावाली में 31,331 वोट बहुजन समाज पार्टी के हासिल किए थे। और जोरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 41,014 वोट है वो हासिल किए थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर इन सीटों पर थोड़े थोड़े वोट भी बहुजन समाज पार्टी को और मिल जाते, सीटों पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा थोड़ा वोट भी हासिल कर लेती, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सीटें जीत सकते थे। यहां पर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की तैयारियां कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का कुल मिलाकर जो है वो ये इस तैयारी में जुटा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अपनी 10 सीटें जीत ले। अगर बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों जीतने में कामयाब होती है, तो यहां की मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका एक बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। तो यानी कि बहुजन समाज के लोगों की समझने की जरूरत है और आगे आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने की भी जरूरत है।